नमस्कार। तो सी हल्क का फर्स्ट एपिसोड रिलीज हो गया है और वो काफी कमाल का था। हमें कई सारे प्रश्न के जवाब भी मिले इस एपिसोड में, जैसे कि अपने हल्क भाई साहब दोबारा ब्रूस बैनर में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गए, और फाइनली हम ब्रूस का अंडरग्राउंड लैब देखते हैं जिसे हल्क ने सिर्फ एवेंजर एंड गेम में मेंशन किया था। और ये एपिसोड मेजर फोकस करता है सी हल्क की ओरिजिन स्टोरी पर। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जेनिफर वाल्टर यानी सी हल्क को, जो एक लॉयर होती है और आज के दिन वो एक केस लड़ने जा रही होती है। तभी वो एक रूम में जाती है और खुद से, या यूं कहूं हमसे, बातें करने लगती है और वो बताती है कि वो सी हल्क कैसे बनी। दरअसल कुछ महीने पहले वो अपने कजन ब्रूस के साथ रोड ट्रिप पर जाती है। यहाँ हम ब्रूस के हाथ में एक डिवाइस को देख पाते हैं जो उसको हमेशा इंसान बना के रखता है, और जेनिफर को स्टीव पर क्रश है इसलिए वो स्टीव के बारे में बात करती है कि वो अभी कहाँ है। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनके सामने एक स्पेसशिप आ जाती है, जिससे डर कर जेनिफर कार को साइड में मोड़ लेती है, जिससे बहुत बुरी तरह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जेनिफर जैसे ही कार से निकलती है वो देखती है कि उसके हाथ में कट लग गया था। इसी के साथ ब्रूस का वो डिवाइस भी खराब हो गया था और उसकी बॉडी से भी ब्लड निकल रहा था। पर इसी बीच ब्रूस का थोड़ा सा खून जेनिफर के उस कट पर गिर जाता है, जिससे उसकी बॉडी बहुत अजीब तरह से रिएक्ट करने लगती है और वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जिससे वो काफी डर जाती है और ब्रूस के कहने पर वो जंगल में भाग जाती है। फिर जैसे ही रात होती है तो वो जंगल में कहीं बेहोश पड़ी रहती है, और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी आ चुकी थी, जिसके बाद वो चलते चलते एक बार में पहुंचती है। फिर वो जैसे ही वहां से जाने लगती है तो कुछ लोग उसको परेशान करने लगते हैं, जिससे उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और उसकी वजह से वो सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, और उन सबको मारने ही वाली होती है। तभी वहाँ ब्रूस आकर उसको रोक लेता है, जिसके बाद वो फिर से बेहोश हो जाती है, और जैसे ही उसकी आँख खुलते हैं वो खुद को किसी और के घर पर पाती है, जो कि बीच के किनारे था, और ये घर किसी और का नहीं बल्कि ब्रूस का था, जो जेनिफर को यहाँ ले आया था। और वो भी अब स्मार्ट हल्क बन चुका था क्योंकि उसको हल्क को काबू करना आता था। जिसके बाद वो जेनिफर को पूरी बात समझाता है कि मेरा खून तुम्हारी बॉडी में जाने की वजह से अब तुम भी मेरी तरह हल्क में बदल सकती हो, जिससे वो बहुत परेशान हो जाती है और कहती है मुझे हल्क नहीं बनना, मुझे वापस से नॉर्मल कर दो। लेकिन ब्रूस कहता है ये पॉसिबल नहीं है, अब से तुम्हें भी मेरी तरह हल्क को झेलना होगा, और जब तक तुम अपने अंदर के हल्क को काबू करना नहीं सीख जाती तब तक तुम यही मेरे साथ रहोगी। जिसके बाद ब्रूस उसको सी हल्क में बदलने के लिए उस एक क्रशिंग मशीन के अंदर लॉक कर देता है, लेकिन जेनिफर उसमें क्रश होने से पहले ही सी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और उस मशीन को तबाह कर देती है। लेकिन यहीं पर ब्रूस देखता है कि जेनिफर को सी हल्क बनने के बाद भी उसको अपने बॉडी पर कंट्रोल था, जिससे ब्रूस कहता है कि ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब पहली बार हल्क बना था तो मुझे अपने बॉडी पर काबू ही नहीं था। जिसके बाद जेनिफर कहती है ठीक है, अब जैसा कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ तो मुझे अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि मुझे अपने नॉर्मल लाइफ के साथ साथ अपने जॉब पर भी फोकस करना है। लेकिन ब्रूस कहता है नहीं, मैं मानता हूँ कि तुम्हें अपने बॉडी पर कंट्रोल है, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम गुस्से में सी हल्क बनकर किसी आम आदमी को जान से मार डालो, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम कुछ दिन यहीं पर रहो ताकि मैं तुम्हें अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सिखा पाऊँ। पर एक दिन जेनिफर इस सब से बहुत चिढ़ जाती है और कहती है बस बहुत हुआ, मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। लेकिन ब्रूस उसको रोकने लगता है। अब हमें इन दोनों के बीच एक लंबी फाइट देखने को मिलती है, दोनों ही एक दूसरे को लात और घूंसों से पीट रहे होते हैं, पर एक टाइम पर फाइनली दोनों शांत हो जाते हैं, जिसके बाद ब्रूस कहता है ठीक है तुम अपने जॉब पर जा सकती हो, लेकिन तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ आ सकती हो। जिसके बाद जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेनिफर किसी का केस लड़ने वाली थी। अब यहाँ केस चल ही रहा होता है कि तभी टिटानिया आकर हमला कर देती है, जिसको रोकने के लिए जेनिफर को सबके सामने सी हल्क बनना ही पड़ता है, जिसके बाद वो बड़ी आसानी से टिटानिया को हरा कर पुलिस के हवाले कर देती है। फिर पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि जेनिफर ब्रूस के उस बीच हाउस में बैठकर दोनों चिल कर रहे होते हैं। तो मिलते हैं इसके सेकेंड एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय।